जब नया पार्टनर आता है, क्या आता है? पहले वो लाता है गुडविल कैश में। जब पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, वो लाएगा ना कैपिटल। तो मैंने आपको कॉपी पे कहा था कि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। तो मैंने आपको कहा था आप एज्यूम करना ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी क्या है। तो पहली एंट्री है चेक हाउ मच कैपिटल एंड प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय द, जो मैंने आपको कहा कि आप ऐसे याद रखना ये कैपिटल कितना लाएगा और प्रीमियम कितना लाएगा। तो उसकी एंट्री आप याद रखना ऐसे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। इजी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। टफ लगा? कितना कैपिटल लाएगा और कितना प्रीमियम लाएगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। टफ? फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रीमियम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर किसी इंसान को देंगे पैसा, उसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा, कैपिटल होता है क्रेडिट। कैपिटल क्या होता है? तो इसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है द प्रीमियम अमंग ओल्ड पार्टनर एज पर ओल्ड पार्टनर द बेस्ट टर्म इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो दूसरी जो एंट्री होती है बेटा, याद रखे, तो दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मुझे कोई कहेगा ये मैंडेटरी एंट्री है, जरा जर्नल एंट्रीज बताइए इसके, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। इजी है कि टफ है? जरा बताइए फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इजी, यहां तक ठीक। अब इसके बाद जो है वो है ऑप्शनल एंट्रीज। क्या है? गुडविल वापस निकालेगा, वहां पे प्रॉफिट होगा और वहां पे प्रीवियस गुडविल होगी। ठीक, गुडविल वापस निकालेगा। अगर वापस निकालेगा, अपने कैपिटल में से उसने 50,000 निकाला, कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम मीन्स डेबिट, कम मीन्स डेबिट, ज्यादा मीन्स क्रेडिट। मगर फॉर्मूला किसकी है? ये कैपिटल की फॉर्मूला किसकी है? ये कैपिटल की। चेक हाउ मच प्रीमियम हैज विड्रॉन। तो निकालेगा ए और बी, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट, शाबाश, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। मैं कैसे सुनाऊंगा आपको बेटा, सुने, मैं कैसे सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे आपको थर्सडे तक या कब होगा एग्जाम प्रिपेयर करना है, आपको आना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप खाली पेपर देते हो, इज इट क्लियर? तो उस तब तक मैं आपको प्रिपेयर करता जाऊंगा। जरा बेटा मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या हो जाएगी जब ये कैश में लाएगा? सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। इसके बाद बताओ बेटा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू। मैं कहूंगा अगर इसने गुडविल निकाला, अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, अब और एक एंट्री है, इन्होंने प्रॉफिट कमाया। अगर हम पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? मुझसे बात कीजिए ना, अगर हम इसे प्रॉफिट देंगे, इसका कैपिटल बढ़ेगा ना? इससे पहले था इसका कैपिटल 10 लाख, हमने और दिया इसे 2 लाख, 10 और 2 क्या हो गया? 12। तो कैपिटल बढ़ा ना, अगर कैपिटल बढ़ा क्रेडिट, कैपिटल बढ़ा, क्योंकि कैपिटल की फॉर्मूला क्या है? डेबिट द डिक्रीज। जो आपने 11th पढ़ा ना, वो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से पढ़ा, लॉजिक बराबर आ रहा है 11th से अभी तक। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, हमने आपको अब प्रॉफिट कमाया ना, हमने अगर प्रॉफिट कमाया, हमने क्या कमाया, प्लीज बेटा, प्रॉफिट कमाया हमने, तो जर्नल एंट्री क्या हो सकती है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू, इज इट क्लियर? टफ मत लगा ना, वहां पे मैंने लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म एज पर, मगर एज पर बेटा क्या, तो एंट्री क्या होती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, इज इट क्लियर? मगर ये डिस्ट्रीब्यूट किससे करना है, एज पर न्यू रेशियो। सर कभी कैपिटल डेबिट, कभी कैपिटल क्रेडिट, सिंपल से याद रखना, कैपिटल जो है वहां की फॉर्मूला क्या है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द, अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सो बता दीजिए प्रॉफिट की एंट्री बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी, दिस इज प्रॉफिट। मगर याद रखो बेटा जो पिछला 12th था ना हमें, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन एक सेंस होता है ना एक बंदे के पास, वो अपने इस्तेमाल करना है। अगर प्रॉफिट की ये एंट्री है, लॉस से कैपिटल बढ़ेगा कि कम, तो उस वक्त की एंट्री क्या होती है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। वहां पे ये आया था तो उन्होंने कहा सर ने पढ़ाया नहीं, और वहां पे बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, इज इट क्लियर? तो इन चीजों का ख्याल रखना, अगर प्रॉफिट से ये एंट्री होगी, लॉस इसका अपोजिट होगा ना। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी, इज इट क्लियर? लेकिन यू हैव टू एज्यूम ए और बी क्या है, ओल्ड पार्टनर, ए और बी क्या है, प्लीज माई डियर, ए और बी क्या है और सी क्या है, जरा मुझे बताए। पहली जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर? अगर नहीं नहीं पूरा बताए ना, इफ गुडविल इज विड्रॉन, अगर गुडविल वापस निकालेंगे, अगर गुडविल वापस निकाल, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू, समझ आया कि समझ नहीं आया, इज इट क्लियर? नो द लास्ट एंट्री इज देयर, मैं चाहता हूं रिवाइज है ना कारण, बोलो फेल होगा सर, मैं चाहे शुक रिवाइज करूं, ये सर मैं क्या ना चुक दो है, प्रीवियस गुडविल appears इन द बुक्स और written ऑफ एज पर, ये मैंने आपको कहा देयर बुक्स ऑलरेडी शोड अ गुडविल, ऐसे लिखा होगा गुडविल appears, जब भी ऐसे होगा ये सबसे पहली एंट्री होती, चाहे ये कैश में लाए या ना लाए, इसकी एक एंट्री होती है is capital account debit, is capital account, b is capital account debit to goodwill account to, मैं आपसे अब कह रहा हूं हो गया कंप्लीट। अब अगर आप सिस्टमैटिक वीडियो देखेंगे ना, सिस्टमैटिक ये होगा ना रिवाइज आपका, पहला वीडियो देखेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चार वीडियोज है इसके, आपको ये सारा टॉपिक आएगा। रिवाइज मैंने किया, रिवाइज मैंने किया, हाँ इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये रखूंगा, उसके बाद वो क्वेश्चंस। इस वीडियो में पहले मैं ये रखूंगा, कौन सा, रिवीजन, ठीक है बेटा, मतलब पहले मैं रिवीजन रखूंगा, इसके बाद जो हमने किया ना अभी वो मैं बाद में रखूंगा। जस्ट जाते जाते बेटा, जाते जाते आप बताना, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम हो गया, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, इसके बाद है इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर गुडविल हम निकाल रहे हैं, अगर गुडविल हम, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, इफ देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ठीक। अगर
प्रीवियस गुडविल इज देयर, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो जो से थोड़ा ही सीरियसनेस तो गई ना, और तो बैठ क्या उसी गुम ठीक तेरे बाय ख्याल थे ब्रेसवार तो एग्जाम थर्सडे एग्जाम प्लानिंग फुल यूनिट बेगो मेथड्स ऑफ गुडविल बेगो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ठीक है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, आज मैं कंप्लीट करूंगा ये ठीक। अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाएगा जो पिछले वीडियोस है, मतलब एक मत रहेगा, वो मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी ठीक। एक वीडियो रहेगा वो बर, ये बहुत इजी है। एंड बियर पार्टनर्स इन 2/5 एंड 3/5 ठीक। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर हु ब्रिंग्स 10,000 एज, कितना लाया उसने कैपिटल। ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है इस वक्त। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वेयर 2500, 3500, 5500, 4000 एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज को क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 ठीक है। ओके, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ठीक। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2/5, 2/5 एंड 1/5। ओल्ड दिया है, नया भी दिया है, इसमें दो वर्किंग्स करनी है सर। कौन सी, पहले आपको गुडविल निकालना है, निकाला गुडविल ठीक। फिर उसके बाद जो नया पार्टनर है ना, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, हो गया। और निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या निकालना है, इज इट क्लियर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। टफ लगा, किसके बराबर होगा ओल्ड रेशियो माइनस, इज इट क्लियर, किसके बराबर ओल्ड रेशियो माइनस ठीक है बेटा। ओके माय डियर, तो सबसे पहले प्रॉफिट आप याद रखें क्या है, 25, 35, 55, 4045 ठीक। हम पहले गुडविल निकालते हैं ठीक। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, सो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है बेटा, 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ठीक है। तो 25, 35, 2500 है, 3500 है, 5000 है, 55 है, भरोसा नहीं मुझे आज का। $5,500 है, or $4,000 है, or $45 इज इट क्लियर। नाउ डिवाइड बाई क्या करेंगे बेटा, कितने साल, 5। क्यों, 5 साल का निकालना है ना, तो कितना हो गया ये, हाँ 20,000। So 20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 ईयर परचेज, बेटा कितने ईयर परचेज, टफ लगा 3 ईयर, तो दैट्स इक्वल 12,000 कितना बेटा। सो 12,000 निकला हमें गुडविल ऑफ द फर्म, क्या निकला, क्या निकला ये गुडविल ऑफ द फर्म, कितना आया ये 12,000 रुपए ठीक है। अब नया पार्टनर कौन आया, नया पार्टनर आया हमें सी ठीक है। जो नया पार्टनर है तो हम ऐसे लिखेंगे ना, सी इज शेयर ऑफ गुडविल, सी इज शेयर ऑफ गुडविल। इसका रेशियो भी दिया है ना, न्यू रेशियो में है ना 1/5, 1/5 मुझसे बात कीजिए ना आप ठीक है। 1/5 ऑफ 12,000 कितना हुआ ठीक है, 2200, 2400 ओके बेटा। अब मुझे बताओ ये सी को लाना है, देना किसे किसे है, ए और बी को, एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हम यहां पे बात करें, ये तो लाता है सिर्फ कैपिटल, क्या लाता है, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, ने बात कीजिए ना मेरे साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू
सीज कैपिटल अकाउंट. टफ लगा? बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द टफ लगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्ट. ओके हाँ, कैपिटल कितना लाया इसने? सिर्फ 10,000. कितना लाया? अब ये प्रीमियम मत लाता है कैश में. जब ये प्रीमियम नहीं लाता है कैश में, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सीज करंट अकाउंट डेबिट, पढ़ाया था मैंने. सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. हाँ, इसका जो शेयर ऑफ गुडविल है ना, वो कितना है? 2400. कितना है? हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर विच रेशियो? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब ये मुझे बताए, ए और बी है, इनके ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5, 3/5. अब जो न्यू है ना बेटा, न्यू क्या है? 2/5, 2/5 और 1/5. इज इट क्लियर? 2/5, 2/5 और 1/5. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक, वो किसके बराबर होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू. अब ए का सैक्रिफाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ए का सैक्रिफाइस और किसका निकालेंगे? बी का सैक्रिफाइस. ए सैक्रिफाइस और बी इज सैक्रिफाइस. ए का ओल्ड क्या है बेटा? 2/5. ए का न्यू क्या है? 2/5. बी का सैक्रिफाइस 3/5 माइनस 2/5. 2/5 माइनस 2/5, दैट्स इक्वल टू जीरो. दैट्स इक्वल. इज इट क्लियर? व्हाट डज इट मीन? ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है. ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है. अब वहां पे क्या बचा? वहां पे टाइम क्या? 6:30. टाइम क्या है? मैं प्रोसीम इस टाइम शिविशान टाइम ये वाइनी में टाइम अच्छा ना. 5/5 सेम. 3 - 2 दैट्स इक्वल टू 1/5. इट मींस सारी गुडविल किसे मिलेगी? इसे क्यों नहीं मिलेगी? इसने सैक्रिफाइस. तो जो हमने एंट्री की ना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ये जो बी है ना, बी नहीं आएगा बेटा. क्यों नहीं आएगा? बी आएगा. हाँ, अच्छा, बी सिर्फ कर रहा है टू बी इज कैपिटल बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एज पर अब सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, तो सारा किसे मिलेगा बेटा? ये बी को. ए को नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा. इजी सा क्वेश्चन था. ठीक है, तो कॉपी कीजिए ना, इसके बाद और करना. गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड. हां जी, हमारे पास पैसा नहीं है, स्टॉक है, लैंड है, मशीन है. कैश क्या है? इज इट एसेट? एसेट है ना. कैश की जगह लैंड आएगा. नहीं समझ आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर. जो टॉपिक है ना हमारा, दैट इज गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड. ठीक, अगर आपके पास एसेट आएगा, वो डेबिट होता है. जैसे कैश आता है, आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट. क्या लिखते हो?
लैंड आएगा, लैंड अकाउंट डेबिट, मशीन आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट। आज का जो टॉपिक होगा कि कैश तो लाएगा थोड़ा सा, कैश के अलावा क्या लाएगा, ये स्टॉक लाएगा, मतलब बाकी एसेट्स लाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक। दे एग्रीड टू एडमिट आर फॉर, ही पेड 30,000 फॉर, इसने दिया कैश कितना। हाउएवर फॉर गुडविल ही गेव स्टॉक एंड फर्नीचर। अब इसने क्या क्या दिया, स्टॉक दिया और क्या दिया, फर्नीचर, दोनों के दोनों एसेट है। अब समझिए, कैश दिया इसने 30,000, स्टॉक दिया 10,000, फर्नीचर दिया 5,000, इतना दिया है ना। पहली एंट्री क्या होती थी, कैश मेरा यहां देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, यही हम लिखते थे, टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखते थे ना, टू सीज, सी की जगह क्या है, सी की जगह है आर, तो आर कैपिटल, और क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम, ठीक। मगर बात समझिए, ये सिर्फ कैश नहीं लाता, ये सिर्फ कैश नहीं लाता है, कैश के साथ क्या लाता है, फर्नीचर। जब आपके पास एसेट आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश एसेट रिकॉर्ड बाय रियल एसेट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सुनाया मैंने, खेला है इन क्वेश्चंस के साथ हमने, स्टार्ट बिजनेस लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, याद है। अब लाया क्या इसने, स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या लाया, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टफ लगा, नहीं मुझसे बात कीजिए ना आप, फर्नीचर अकाउंट। अब मुझे बताइए, कैश कितना लाया इसने, कैश लाया 30,000, इज इट क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, स्टॉक कितना लाया, 10,000, और फर्नीचर कितना लाया, 5,000। हाँ, इसे गुडविल के लिए लाना था 15,000 रुपए, इसने 15,000 के एसेट्स दिए। हाँ, इसका शेयर ऑफ गुडविल है 15,000। देखिए ना, अंग्रेजी में क्या कह रहा है, हाउ एवर फॉर गुडविल ही गेव, गुडविल के लिए इसने क्या दिया, 10,000 और 5,000, 10 और 5 कितना हो गया, 15,000। तो इसका शेयर ऑफ गुडविल क्या है, समझ आ रहा है, बींग कैपिटल एंड, रुकिए ना एक बार, मुझे पता है, एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर 45,000। एक मिनट, कैपिटल कितना है बेटा, 30,000, और प्रीमियम कितना है इसका, 15,000, जो अभी कहा मैंने। टफ लगा, कैपिटल लाया 30,000, प्रीमियम लाया, मगर किस शेप में, कैश की शेप में, स्टॉक की शेप में, और जब आपके पास एसेट आता है वो होता है डेबिट। क्या होता है, जब भी आप, इज इट क्लियर, ठीक है, स्टार्टअप बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कुछ नहीं, नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम, ये जो ये प्रीमियम है ना, आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पी एंड क्यू एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या वो दिया है, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स, टफ मत लगा, ओके बेटा, क्या लिखेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इजी है ये, मत टफ है, फिर आप कल को कहते सर ने नहीं दिखाया, शायद टफ था। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कितना है बेटा, 15,000, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सर वो तो नहीं दिया है, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स, सो व्हाट इज ओल्ड, 3:2, ठीक है, 3/5 of 15,000, 9,000,
और 6000। इजी कितना है ये, बताया ना कितना इजी है बेटा। ठीक है चलिए कॉपी करें। ओके वल्स, हाँ जी बिहारी एंड पंजाबी। इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, एक एडिशनल एंट्री है इसकी। एग्जाम के हिसाब से जो बेसिक एंट्रीज है ना वो आती है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम फिर सारी बुक कंप्लीट करते हैं। ये समझो ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर से समझिए। ठीक है, सिर्फ वो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज, अगर निकालेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वो बेसिक एंट्रीज होगी। इनफैक्ट आपके एग्जाम में भी मैं वही रखूंगा। हाँ फिर ये मैं अलग एंड पे रखता हूं, जिसे करना है कीजिए, जिसे नहीं करना है वो नहीं कर सकता। ठीक चले, बिहारी एंड पंजाबी आर पार्टनर्स इन 2:3, ये नाम इन्होंने रखे हैं तो ओल्ड रेशो। ठीक, हरियाणवी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, बेटा कौन सा शेयर दिया इसे, ही ब्रिंग्स कैश 50,000 फॉर कैपिटल एंड गुडविल, इसने कैश लाया 50,000 कैपिटल और गुडविल के लिए। ठीक, टोटल गुडविल इज 30,000, इट इज गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द, अगर हमें हरियाणवी की निकालनी होगी 1/3 ऑफ 30,000, दैट इज 10,000। नहीं समझ आया, इज इट क्लियर ना, ये पॉइंट मैं यहीं पे खत्म करता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 30,000। अब हरियाणवी आ रहा है ना, हरियाणवी शेयर, हरियाणवी 1/3 ऑफ 30,000, सो दैट्स इक्वल 10,000। इज इट क्लियर, ठीक ओके। बिहारी एंड पंजाबी जो ये है, एज पर एग्रीमेंट विड्रू 20% ऑफ गुडविल अमाउंट, जो इन्हें गुडविल मिलेगा ना उसका 20% वो निकालते हैं, उसका 20% वो, टफ लगा ओके। एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू दियर लोन अकाउंट, ये नेक्स्ट आज का पॉइंट है, जो उनका पैसा बचता है ना वो लोन देते हैं फर्म को, क्या देते हैं आपको पता है, जब आप छोटे थे मेरी बात मानते थे, एसेट होता था डेबिट, लाइबिलिटी होता था क्रेडिट। अगर वो लोन देंगे क्या देंगे फर्म के लिए, ये एसेट है क्या लाइबिलिटी, फर्म के लिए क्या है ये लाइबिलिटी, क्या है मेरी बात समझिए ना, अगर फर्म लोन लाएगी कर्जा है ना, कर्जा क्या होता है क्रेडिट, वो एक्स्ट्रा एंट्री मैं एंड पे बताऊंगा, पहले बेसिक क्वेश्चन तो करें। समझ नहीं आया, पहले क्या करेंगे हम बेसिक क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, सर बेसिक क्वेश्चन क्या है देखिए आप, सबसे पहले एक तो लाता है ये कैश कितना लाता है 50,000, और गुडविल कितना लाता है इसमें, समझ आ रहा है कितना लाता है, ये कहता है ना ही ब्रिंग्स कैश 50,000 फॉर कैपिटल एंड, तो कैश लाया 50,000 कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, तो पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरियाणवी, हरियाणवी कैपिटल, हरियाणवी और टू प्रीमियम अकाउंट, क्या लिखा, हां कैश इसने लाया 50,000, प्रीमियम इसका है 10,000, तो कैपिटल होगा ना 40,000। सर कैसे, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, 50,000 कैश है उसमें से प्रीमियम कितना है, तो 40 क्या होगा, समझ आया, टफ मत लगा, तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, ठीक, बीइंग कैपिटल एंड
प्रीमियम, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम, ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। यहां तक ठीक? नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रीमियम अमंग ओल्ड पार्टनर्स। द बेस्ट टर्म इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज एज पर, नहीं मेरी बात समझिए ना, एज पर राइट टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद? प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बिहारी टू पंजाबी, ठीक ये नाम है, टू बिहारी कैपिटल अकाउंट टू पंजाबी कैपिटल अकाउंट। समझ आया? नहीं, खुदा की कसम ही समझ आया। अब प्रीमियम कितना है हमारा? 10,000 रुपए। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा हमने? बीइंग प्रीमियम, यहां तक तो इजी है ना, ये किया है हमने यहां तक। नहीं, मुझसे बात कीजिए ना आप लोग। एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सर वो तो नहीं दिया है। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स, ओल्ड क्या है आपका? 2:3। क्या मैंने पढ़ाया आपको? 2/5 ऑफ दिस इज 4,000 एंड दिस इज, यही है, यही है। ओके बेटा, 2/5 ऑफ 10, 3/5 ऑफ 10, तो ये आपका आया। अब बात समझना, जब आप छोटे थे मेरी बात मानते थे, उन दिनों मैंने आपको एक रूल बताया था, कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल सेम है, दैट इज डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द, अगर लोन होगा कम डेबिट, लोन बढ़ेगा क्रेडिट। मेरी बात समझिए। हाँ जान, मेरी तरफ देखो ना यार। कैपिटल डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज, यहां तक ठीक? अगर कैपिटल कम डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट, अभी तक वही कर रहे। लायबिलिटी कम, लायबिलिटी बढ़ेगी, कहते हैं पहले ये 20% निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका 20% निकालते हैं। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ए की जगह बिहारी, बी की जगह पंजाबी, है ना? तो क्या लिखेंगे? ये कह रहे हैं ना, बिहारी एंड पंजाबी एज पर एग्रीमेंट कितना निकालते हैं? 20% ऑफ गुडविल। क्या? 20% ऑफ गुडविल। तो हम ऐसे लिखेंगे, बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिहारी और बेटा पंजाबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग 20% गुडविल विड्रॉन। टफ लगा? बीइंग 20% गुडविल विड्रॉन, नहीं समझ नहीं आया शायद, मेरी बात आपको समझ नहीं आई। अब 4,000 का 20% वो हो गया 800। वो पता है कैसे? कैलकुलेटर उठाना है आपको। क्या उठाना है? कैलकुलेटर, ठीक है? यहां पे क्या लिखा है? 4,000 लिखा है इंटू 20/100, कितना हो गया? अब 6,000 है इंटू 20/100, कितना हो गया? तो इसने 800, इसने 1200, ठीक? तो कितने हो गए बेटे? 2,000 रुपए। यहां तक ठीक? सर ये तो इजी है, यहां तक हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन जो बचता है ना, इसका कितना था प्रीमियम? कितना था इसका? 4,000। निकाला कितना इसने? तो 3,200 बचा ना। इसने 6,000, इसका कितना है? 1,200। 6,000 माइनस 1,200, 4,800 बचा ना। क्या बचा? नहीं, एक मिनट,
एक बचा 4,000 - 800, कितना बचा? बात कीजिए मेरे साथ, 3,200 बचा। 6,000 - 1,200, 4,800 बचा। ये है ना 80%। ये कैपिटल से निकालते हैं और देते हैं लोन। क्या देते हैं? अगर कैपिटल से निकालेंगे, कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम। देते क्या है? किसे देते हैं? फर्म को। फर्म को कर्जा बढ़ेगा कि कम होगा? अगर कर्जा बढ़ेगा, कुछ नहीं लिखना। देखो देखो, वाई टू फेयर वन रॉक इज हेयर, तो हम क्या करेंगे? वाव, आसान क्या चुको है? देखो क्या करेंगे बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द क्रेडिट द। ये पैसा कहां से निकालते हैं? कैपिटल से। देते क्या है? क्या देते हैं? लोन। तो ऐसे लिखेंगे, बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंजाबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिहारी लोन, टू बिहारी लोन अकाउंट टू पंजाबी। ओ खुदाया, सर ने क्या किया? ये कैपिटल से निकाला, दिया क्या? कैपिटल से निकाला, कैपिटल कम, लोन दिया, लोन बढ़ गया, हो गया ना फैसला। तो ये एंट्री आपको एक्स्ट्रा है, असल में इस टॉपिक की है ही नहीं ये, ठीक। अब ये एक्स्ट्रा है, क्या बेटा? कैपिटल कम होगा, बढ़ेगा क्या? लोन। दिस इज 3,200, दिस इज 40, तो पार्टनर्स ने क्या दिया? लोन। तो क्या लिखेंगे? बीइंग लोन गिवन बाय पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10%। हो गया, टफ लगा। एक एंट्री थी, दैट इज एक्स्ट्रा। कैपिटल होता है कम, कैपिटल क्या होता है? और बढ़ता क्या है? अगर कैपिटल कम होगा, क्या होगा? डेबिट। कैपिटल होगा कम, क्या होगा? हाँ, अगर कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट। तो कैपिटल से पैसा निकाला, कैपिटल हुआ कम, क्या हुआ? डेबिट। लोन दिया, लोन बढ़ गया, क्या हुआ? क्रेडिट। ये एक्स्ट्रा एंट्री है, ठीक है, कॉपी करें बेटा। सबसे पहला है, एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स इन 3:2:1, इट इज ओल्ड रेशियो। देयर गुडविल इज वैल्यूड एट, सो गुडविल ऑफ द फर्म इज, न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर 1/12। जो सी शेयर ऑफ गुडविल होगा, सी इज शेयर ऑफ गुडविल, दैट्स इक्वल टू 1/12 ऑफ 96,000। इज इट क्लियर? तो 1/12 ऑफ 96,000, 12 1 12 7 7 12 14 6 2 12 6, वही आ रहा है, 8 आ रहा है, हाँ, दैट इज 8,000। सो गुडविल सी का शेयर क्या है? 8,000। ओके, विच ही टेक्स, ये रेशियो इसे मिला इन द फ्रॉम एक्स वाई एंड जी इन 2:1:2, दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। अब रिकॉर्ड एंट्रीज इन जर्नल, रिकॉर्ड एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है, जैसे कि ये है ही नहीं, कौन? बी सी डी ई है ही नहीं। पहला केस है, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम इज रिटेन्ड इन द, मतलब सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है। जब सी गुडविल लाएगा तो क्या हो जाएगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जी, हो गया पहले का आंसर, ठीक। केस फर्स्ट डन। नहीं समझ आया? नहीं, जो पहला केस है ना, पहला केस मैं दिखाता हूं क्योंकि ये है ना इजी, ये है ना इजी। तो बताएंगे मुझे पहली जो केस फर्स्ट है, केस ए, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम।
being capital and premium brought in by the new partner. Is it clear? Revise ho jayega. Ye karna aur exam mein isi tarah ka question aayega. Being capital and premium brought in by the new partner. How much capital he brings? Capital mat diya hai iska? Mat diya hai. जब कैपिटल नहीं दिया होगा तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट. सिंपल. अगर कैपिटल दिया होता तो लिखते, अगर नहीं दिया होगा. नहीं, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही. इस तरह का क्वेश्चन दिखाया है ना हमने, ठीक है. अब मुझे बताएं इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जी. प्रीमियम कितना है आपने कितना निकाला? 8000 एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1:1. इसे आएगा 4000, इसे आएगा 2000 और इसे आएगा 2000. ये था आपका केस फर्स्ट. आया? नहीं, सच बताया आया. टफ मत लगा. नाउ यू हैव केस सेकंड. यू हैव क्या है बेटा आपका? केस सेकंड. टफ लगा बेटा. अब क्या है आपका केस? बता दीजिए मुझे बेटा, जो केस सेकंड है ना उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? सी ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन एंड दे विड्रॉ 40% ऑफ इट. गुडविल अपीयर्स 18,000 इन द बुक्स. इट्स प्रीवियस गुडविल. प्रीवियस गुडविल की एंट्री, प्रीवियस जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं तना पर उनको पहले समझ ही नहीं आता. सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है जो हमने कैलकुलेट किया 1/12 ऑफ 96,000 दैट इज 8,000, ठीक है. और कह रहा है सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है और वो कितना विड्रॉ करते हैं, लेकिन गुडविल ऑलरेडी अपीयर है 18,000 इन द बुक्स. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रीवियस गुडविल. प्रीवियस गुडविल की एंट्री हो जाएगी बेटा एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. Y's capital account debit, Z's capital account debit to goodwill account. ठीक, कितना है बेटा ये? 18,000. Being previous goodwill written off as per old ratio. मुझे नहीं करना था ये, आपको करना था. As per वो old ratio क्या है आपका? 3:2:1. टफ मत लगा. समझ आ रहा है? टफ मत लगा बेटा ये, ठीक है बेटा. कहां गया है? ये है ना. ओके, इसके बाद यहां तक समझ आया. इसके बाद कह रहा है सी ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अगर ये अपना कैश में लाएगा तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट. जस्ट आप रिवाइज करें, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज प्रीमियम. कैपिटल मत लाता है, टू सीज प्रीमियम. प्रीमियम कितना लाता है ये बेटा जो हमने निकाला? 8,000. पहले ही निकाला ना 8,000. अब ये प्रीमियम किसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि दिया है 2:1:2. हाँ, ये एंट्री हमने की. प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल. बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 2:1:1. 2:1:1. हाउ मच द प्रीमियम इज? इट इज 8,000. So this is 4,000, this is 2,000 and this is. Now question says they withdrew 40% of it. अगर ये निकालेंगे, अगर ये इनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट यहां पे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बेटा 40% निकालते हैं
40% of 4,000, that is 1,600. 40% of 2,000, that is 800. 40% of 2,000, that is, so ये आया आपका 3,200. So case second is done. हो गया. Okay. Now C does not bring goodwill in cash. अब ये goodwill cash में नहीं लाता है. हम लिखते थे cash account debit to capital. वो मत है वो entry. जब ये cash में नहीं लाता, तो entry क्या हो जाएगी? C is current account debit to X is capital to Y is capital to Z is capital. Tough लगा. Easy है ना? नहीं? Okay. चले बेटा, अब जरा बताइए बेटा, यही है केस बेटा? क्या है? सी सी डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश. सी गुडविल नहीं लाता. सी गुडविल, जब सी गुडविल नहीं लाएगा क्या हो जाएगा? सी इज सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स इज कैपिटल टू वाई इज कैपिटल. 8,000 था एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इसे 2:1:1. यहां तक ठीक बेटा? क्या मैंने कहा आपसे कि सी डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन? जब ये कैश में नहीं लाएगा बेटा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाई इज कैपिटल टू बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर. यही तो है ना पॉइंट, ये है. रूल्स आर टू, जब ये कैश में लाता है, जब ये कैश में नहीं लाता. क्या बेटा? जब ये कैश में लाता है. हो गया एक. दूसरा क्या? जब ये कैश में नहीं लाता है. ठीक है, अगर कैश में लाता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, जब कैश में नहीं लाएगा तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम के बजाय हम लेते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट. क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? बस ठीक है, उस वक्त ये एंट्री हो जाती है. ठीक है, नाउ देयर इज केस डी. क्या बेटा? केस डी भी मैं यहीं पे दिखा दो. अलग जर्नल बनाना है. क्या बनाना है? हाँ, केस डी क्या है? सी ब्रिंग स्टॉक वैल्यूड एट 5,000 फॉर, लेकिन गुडविल तो है ना 8,000. गुडविल क्या है? तो ये कितना लाता है? 5,000 लाता है. क्या कैश लाता है कि स्टॉक लाता है? समझ आ रहा? हम लिखते थे ना कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम. कैपिटल मत लाता है ये, तो ऐसे लिखेंगे स्टॉक लाता है. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम. ठीक, कितना बेटा? अब इसने प्रीमियम लाया, मगर कितना लाया? कितना लाया बेटा? 5,000. टफ लगा? गुडविल कितना लाना था इसे? 8,000 रुपए. जैसे कि 1/12 of 96, दैट इज 8,000. वही लाना था. इसने कितना लाया? अब हम एंट्री करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो कि है 5,000. फिर हम लिखते थे तो एक्स टू वाई टू जी. ठीक है, मगर हमें मत 5,000 करना डिस्ट्रीब्यूट, हमें कितना करना है? 8,000. हाउ मच द पेंडिंग अमाउंट इज? 5 और 3 8. 5 और 3. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उस जो ये कैश में नहीं लाता है सेज करंट अकाउंट डेबिट 3,000. वही आएगा 4,000, 2,000 और 2,000 बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 2:1:1. सी डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स. दिस इज प्रीवियस गुडविल. इसकी एंट्री हो जाएगी और हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट. अब ये भी दिखा दो. C does not bring goodwill in and goodwill exists in the,
क्या है, 3:2 या 30,000 है ना। मुझे बताओगे प्रीवियस गुडविल की एंट्री क्या होती है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ एज पर ओल्ड रेशियो। कितना है बेटा ये 30,000, हाउ मच इट इज 3/6, 6 5s are 5, 3 are 50, 6 5 are 5 or 10, 3/6, 2/6, 1/6 of this you will get this amount, is it clear? इसकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा अब ये कैश पे नहीं लाता, एंट्री क्या होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल। टफ लगा, टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जीज, ये अपनी ही एंट्री है ना, अपनी ही एंट्री है ना, ठीक है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही 4,000, 2,000 और 2,000, ये क्वेश्चन दिस सिस्टम, ठीक है।